नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य में धीरे धीरे बढ़ रहे कोविड के मामले, महाराष्ट्र कोविड 19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित ने दी जानकारी। फोन पे पर लॉटरी का दावा करके की धोखाधड़ी, फोन पे से जुड़े खाते से 76,443 हुए चोरी। और नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोविड के मामलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इन मामलों के बढ़ने का दर जनवरी फरवरी से काफी अलग है। कोविड नियमों को लागू करना एक प्रशासनिक फैसला है, लेकिन हर किसी को अपनी जिम्मेदारी और सेल्फ मास्किंग करने की जरूरत है। कोविडच्या केसेस निश्चितपणे हळूहळू वाढत आहेत, परंतु सुदैवाने ज्या आपल्याला जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये ओमायक्रॉनची जेव्हा लाट आली होती, ज्या तीव्रतेने केसेस वाढत होत्या, तेवढ्या तीव्रतेने वाढताना दिसत नाही आहेत। अजून त्यातल्या दोन तीन चांगल्या बाब आहेत। एक तर आपलं झालेलं लसीकरण, नुकत्याच झालेल्या लोकांना इन्फेक्शन म्हणून एखाद्या वेळेस हायब्रिड इम्युनिटी असेल म्हणून एखाद्या केसेस हळूहळू वाढत आहेत बहुतेक। दुसरी गोष्ट म्हणजे की ज्या कुठल्या केसेस पॉझिटिव्ह येत आहेत, त्यातल्या 95%च्या अधिक केसेस ज्या आहेत त्या माइल्ड आहेत किंवा एसिम्प्टोमॅटिक आहेत, त्यामुळे हॉस्पिटलायझेशन, आय सी यू ॲडमिशन आणि मॉर्टॅलिटी हे तिन्ही फार कमी आहेत। आणि असंच ठेवावं, असंच राहावं, ह्याच्यापेक्षा हळूहळू केसेस कमी व्हावा अशी इच्छा आहे। सध्या राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाने मास्क वापरण्याचा सल्ला दिला, याबद्दल काय प्रतिक्रिया आहे? अगदी बरोबर, योग्य सल्ला आहे। ह्याच्याबद्दल आपल्याकडे बरंच नॉलेज आहे की तुम्ही जर क्लोज कन्फाईन स्पेसेसमध्ये असाल, जिकडे एअर व्हेंटिलेशन पुअर आहे, खूप जास्ती गर्दीचं ठिकाण आहे, तुमच्याबरोबर अनोळखी लोक आहेत, अनोळखी म्हणजे रोज तुम्ही घरची जी मंडळी राहता त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी लोक असतील, तर तुम्ही मास्क कृपया घाला। म्हणजे तुम्ही स्वतःला देखील संरक्षण कराल संसर्ग होण्यापासून, आणि आपल्या घरचे जे इतर कुटुंबीय आहेत ज्यांच्याकडे की तुम्ही रात्री घरी जाता, संध्याकाळी घरी जाता, आपल्या घरी परतता, तेव्हा आजी आजोबा आई वडील जे वयस्कर आहेत त्यांना देखील आपण प्रोटेक्शन करू शकतो, कारण आपण जर स्वतः प्रोटेक्टेड राहिलो तर ते देखील प्रोटेक्टेड राहतील। पुन्हा कोविड नियम लागू करण्याची गरज वाटते आहे का? पुन्हा मी असंच म्हणेन की कोविड नियम कुठलाही सक्ती लागू करायची का नाही लागू करायची हे प्रशासकीय निर्णय आहे, पण ॲज अ डॉक्टर आपल्याकडे भरपूर डाटा आहे की तुम्ही प्लीज क्लोज कन्फाईन स्पेसमध्ये ॲज अ स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून मास्क घाला। आपण बऱ्याचशा गोष्टी नकळत रिस्पॉन्सिबली करत असतो। उदाहरणार्थ आपण रस्ता क्रॉस करताना दोन्हीकडे बघून रस्ता क्रॉस करतो, ती एक सेफ्टी बाब बघतो। तसंच मी म्हणू इच्छितो की ॲज अ सेफ्टी, स्वतःची सेफ्टी म्हणून तुम्ही प्लीज मास्क घाला, तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे लसीकरण करा, आणि तुम्ही स्वतःला प्रोटेक्ट कराल आणि घरच्यांना प्रोटेक्ट कराल। मला वाटतं लोकांनी हेल्थ हॅबिट म्हणून मास्कचा जो आहे तो उपयोग करावा। माझा प्रश्न पुन्हा उत्तर पुन्हा त्या प्रश्नाचं हेच आहे की क्लोज कन्फाईन स्पेसमध्ये प्लीज मास्किंग ठेवा। ओपन स्पेसमध्ये तेवढंच निश्चितपणे सांगणं आम्हाला डॉक्टरांना पण कठीण आहे, कारण तसा डाटा अवेलेबल नाही आहे, परंतु क्लोज कन्फाईन स्पेस करता डाटा निश्चित अवेलेबल आहे। खूप गर्दीच्या ठिकाणी जर असेल, खूप जास्ती लोक असतील एखाद्या जागेमध्ये, तर जरूर तुम्ही मास्क घाला। ओपन मैदानात चालताना, घरच्या घरी, स्वतःच्या आपल्या, काही मास्कची गरज नाही आहे। मुंबई से सटे ठाणे स्टेशन पर एक यात्री पटरी पार करने के दौरान लोकल ट्रेन की चपेट में आने ही वाला था कि ड्यूटी पर तैनात रेलवे पुलिस के जवान ने खुद की परवाह न करते हुए उसे ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। चंद सेकंड की देरी में ही इस यात्री की जान जा सकती थी, लेकिन इस पुलिस ने यात्री को बचाकर सराहनीय कार्य किया है। बुल्ढाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर 49 वर्षीय विजय भाके, इन्हें रूही शर्मा नामक आरोपी ने फोन द्वारा लोन का लालच देकर प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पर 15,72,654 रुपए लूट लिए। जैसे ही फरियादी विजय भाके को अपने साथ होने वाली इस धोखाधड़ी का पता चला, उन्होंने हुड़केश्वर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। फरियादी बुल्ढाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें 3 दिसंबर 2019 को एक रूही शर्मा नामक लड़की का फोन आया था। वो फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज से बात कर रही है, ऐसा बताकर उसने फरियादी को 7 लाख रुपयों का लोन दिए जाने की बात कही। इसके चलते उसने झूठे लोन अग्रीमेंट का PDF व्हाट्सएप पर भी भेजा और सारी बातें सच मानकर फरियादी ने उस पर विश्वास कर लिया। उसके बाद फरियादी को 5 अलग अलग लोगों ने इंश्योरेंस, NOC, GST के नाम पर पैसों की मांग करना शुरू कर दिया।
पहले आरोपी ने 7 लाख का लोन बताकर फिर वो रकम बढ़ाकर 14 लाख कर दी और फिर फरियादी को 11 लोगों के अकाउंट नंबर दिए गए जिसमें उनको पैसे भरने थे। फरियादी ने भी इन अकाउंट में कुल 15,72,654 रुपए भरे। हुडकेश्वर थाना अंतर्गत कार्यरत पुलिस निरीक्षक कविता निखारकर ने लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए कहा कि ऑनलाइन व्यवहार करना गलत नहीं है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति आपसे इस तरह की बातें करता है या आपकी जानकारी निकालने की कोशिश करता है तो आप स्वयं उसका पता लगाए बिना कोई ऑनलाइन व्यवहार न करे। यह आपकी जिम्मेदारी है, इसे पहचाने। अगर ऐसी घटना सामने आती है तो ऐसे व्यक्तियों से सामने आमने मिलकर सच्चाई का पता लगाए और ये याद रखे कि किसी भी राशि का लोन लेते समय 10-15% के ऊपर पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं होती। लोन के प्रामाणिक कागजात हो तो ही विश्वास रखे। 3 दिन पहले हमने एक गुना दाखिल किया, एक विजय भाके करके है जो मैनेजर है बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। इनके साथ ऐसा हुआ था कि इनको 3 दिसंबर 2019 में एक कॉल आया था, रूही शर्मा करके लड़की थी, उसने बताया था कि वो फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज से है और 7 लाख रुपए का आपको लोन दिया जाएगा। और उसने जो लोन एग्रीमेंट था वो PDF उनको व्हाट्सएप पे भेजा, इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इनको 5 लोगों ने अलग अलग बार फ़ोन करके इनको बताया कि भाई आपके लोन का हो रहा है तो आपका इंश्योरेंस निकालना, इंश्योरेंस की फ़ी लगेगी, NOC लगेगा, GST लगेगा। ऐसे अलग अलग हेड्स के अंदर इनको पैसे मांगे और 11 लोगों के नंबर दिए, अकाउंट नंबर, जिसमें इन्होंने पैसे भरे। पहले इनको 7 लाख रुपए का बताया गया लोन और बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 14 लाख का किया लोन। उनको एक पैसे का भी ना देते हुए इन्हीं से अलग अलग हेड्स के अंदर 11 लोगों के अकाउंट में 15,72,654 रुपये डेबिट करवाए हैं। तो इस तरीके से उनकी चीटिंग हुई है। जी जी बिल्कुल सही है। हम हमेशा बोलते हैं आप ऑनलाइन व्यवहार कीजिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको उस व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि मैं ये हूँ, तो मैंने हमेशा बोला है, चाहे पर्सनली हो, चाहे आपके घर पे आने वाला कोई इंसान हो, या चाहे फ़ोन पे बताने वाला इंसान हो, उसकी ऑथेंटिसिटी पहले चेक करना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। फिर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आ रहा है तो वो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो सही जगह से आ रहा है क्या, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। और इन सारे व्यवहार में कभी ना कभी आप उसको मिल लो या पहली बार उसको मिल लो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सामने आने के बाद आपको सच्चाई समझ में आती है। कोई भी ऑनलाइन व्यवहार करने से पहले 10 बार सोचिए। और अगर मुझे 7 लाख का लोन मांग दिया जा रहा है या किसी भी अमाउंट का आपको कोई लोन या इस तरीके की, तो आप ये समझ लीजिए कि 10 या 15% से ज़्यादा किसी तरीके की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो ये गलत है। आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि कितने अमाउंट के लिए मुझे कितनी फ़ीस की ज़रूरत है। वो कागज़ पे लिखा होना चाहिए और वो कागज़ ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके अनुसार अगर आप अपना काम करते हैं तो आपके साथ इस तरीके के वाकया कभी नहीं होंगे। VKB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। हुडकेश्वर थाना अंतर्गत के तुकड़ोजी नगर निवासी मनोज ज्ञानेश्वर चिंचुलकर को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि फोन पे पर आपको लॉटरी लगी है और मनोज ने उन पर भरोसा कर अपनी पूरी जानकारी उन्हें दे दी और उसके बाद उनके खाते से 76,443 रुपए चोरी हो गए। ठगी का पता चलने पर मनोज ने हुडकेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नागपुर में हुडकेश्वर पुलिस ने 7 मई को फोन पे के जरिए धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। फरियादी मनोज ज्ञानेश्वर चिंचुलकर को एक व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि फोन पे पर आपकी लॉटरी लगी है। मनोज ने उस पर विश्वास किया और उसे अपने खाते का पूरा विवरण दिया, लेकिन उसके बाद उसके फोन पे से जुड़े खाते से कुल 76,443 रुपए कट गए और वो हुडकेश्वर थाने पहुंच गया। पुलिस ने बताया कि फोन पे ऐसी कोई योजना पेश नहीं करता है। कविता इखरकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के कॉल या मैसेज से विचलित न हो। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। हो एक्चुअली 7 तारखेला एक ज्ञानेश्वर विंचुरकर म्हणून आहेत, त्यांचं मेडिसिनचं दुकान आहे आणि फोनपेवर त्यांचे मेजॉरिटी व्यवहार असतात। त्याच्यावर एका व्यक्तीने 7 तारखेला फोन करून त्यांना सांगितलं, दुपारच्या दरम्यान फोन करून, की फोनपेचा मॅनेजर बोलतो आहे आणि तुम्हाला 5,000 रुपयाची लॉटरी लागलेली आहे। यांनी त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवला, त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला लिंक पाठवतो आहे आणि ती लिंकवर तुमची संपूर्ण माहिती पाठवा। ती लिंक यांनी ओपन केली, त्याच्यावर संपूर्ण माहिती पाठवली, त्याच्या संदर्भात OTP आला, तो पण यांनी शेअर केला आणि तसं झाल्याबरोबर ताबडतोब 5 वेळा त्यांचं जे अकाउंट फोनपेशी कनेक्टेड होतं त्या अकाउंटमधून 4,889 रुपये 5 वेळा
आणि 25,999 रुपये 2 वेळा, असा 79,443 रुपयाची जी किम अमाऊंट जो आहे तो त्यांच्या अकाउंटमधून डेबिट झालेला आहे. खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, आपल्याला पहिलं हे लक्षात घेण्याची गरज आहे की फुकटामध्ये आपल्याला किंवा कोणालाही काहीच मिळत नाही. मी मागेही बऱ्याच वेळा संदेश दिलेले आहेत की तुम्हाला समजा मोठ्या प्रमाणात परतावा देण्याचं कोणी आमिष दाखवत असेल तर असं होत नाही हे पहिले समजून घ्या. नंतर समजा तुम्हाला तसं वाटत असेल तर त्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करा. फोनपे तुम्ही वापरत आहे तो काहीच इशू नाही आहे, पण लॉटरी वगैरे असले प्रकार होत नसतात. आपल्याला वारंवार असे मेसेजेस येत असतात, असे कॉल येत असतात, कोणीतरी सांगत असतं की मी हा हा व्यक्ती आहे. तर पहिले हे लक्षात घ्या की असे लॉटरी वगैरे प्रकार नसतात. समजा असले तर त्या व्यक्तीने ज्यांनी हे म्हटलेलं आहे त्याची ऑथेंटिसिटी चेक करा की खरंच हा व्यक्ती काय आहे, तसा आहे की नाही आहे. आणि कुठलीही लिंक, कुठल्याही नवीन व्यक्तीकडून आलेली लिंक ओपन करू नका शक्यतो. तुमच्याशी संबंधित असली, तुमच्या ओळखीतल्या माणसाने दिलेली असली तर ती गोष्ट समजू शकतं. त्यानंतर कोणाशीही आपली माहिती शेअर करू नका. आणि OTP वगैरे शेअर करण्याचा मुद्दाच येत नाही, पण ही सगळी गोष्ट सुरू होते की आपल्याला हे समजण्याची गरज आहे की कुठलाही पैसा फुकटात मिळत नाही. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा असे प्रलोभनं येतील तेव्हा तेव्हा कॉशियसली प्रत्येक गोष्ट चेक करून प्रत्येक पाऊल अगदी व्यवस्थितपणे सुरक्षितपणे ठेवण्याची गरज आहे. इमामवाडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अशोक चौक में भीषण हादसा सामने आया है. 45 से 50 उम्र के साइकिल सवार की ट्रक के पिछले पहिए में आने से मौत हो गई है. घटना के बाद ट्रक ड्राइवर भाग खड़ा हुआ. अब तक मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. मृतक की साइकिल पर अबोली गुरे नाम लिखा हुआ है. घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को शुरू कर दिया है. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. किसी भी अस्पताल में एक मरीज को डॉक्टर की तुलना में अधिक समय तक नर्स की देखरेख में रहना चाहिए. अस्पताल में भर्ती मरीजों की नर्सें दिन रात काम कर रही है. वे मरीज को खुश करने, उसे सकारात्मकता देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है. अभी कोरोना जैसे भीषण संकट के समय में नर्सों की भूमिका अहम होती जा रही है. नर्सें अपने परिवार, बच्चों या अपने जीवन की परवाह किए बिना दिन रात बहुत मेहनत कर रही है. पिछले कई दिनों से अस्पताल की कई नर्सें अपने घर भी नहीं गई है. चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सों का योगदान अमूल्य है. इनके बिना चिकित्सा क्षेत्र पूर्ण नहीं हो सकता है. देखिए विश्व नर्स दिवस पर नर्सें क्या कहती है. हाँ, पेशेंट घरी गेल्यानंतर आम्हाला समाधानच होतं.
कारण आम्ही एवढ्या चांगल्या प्रकारची त्यांना सेवा दिलेली असते. अगदी म्हणजे एजेड किंवा वयस्कर लोक असतात त्यांना वडिलांप्रमाणे म्हणजे आम्ही अशी सेवा देतो. एखादा रुग्ण असतो तो कधी कधी रागाच्या भरत जो आहे, सिस्टर असेल डॉक्टर असेल ना, शक्यतो डॉक्टरांना नाही पण सिस्टरांनाच जो आहे ते ओरडत असतो, त्यावेळेस कशी परिस्थिती हाताळतो तुम्ही? इथे पॉइझनिंगचे असतात किंवा अल्कोहोलिकचे, म्हणजे जे पेशंट विड्रॉलमध्ये जातात ते आम्हाला शिमीगाळ किंवा काहीही बडबडत असतात. किंवा काही मागे एकदा हे अंडर कस्टडीचे पेशंट म्हणजे ड्रग ॲडिक्टेड जे असतात पेशंट, ते दिवसभर बडबड इरेग्युलर टॉकिंग असतं त्यांचं चालू, ते काही ना काही बडबड म्हणजे शिवी हे चालूच असतं, तरी पण आम्ही त्यांच्याकडे निग्लेक्ट करतो. आता कसं वाटतं, कोरोनाचा काळ गेलेला आहे, सगळं हळूहळू कोरोना सुरळीत झालेलं आहे, पुन्हा ड्युटीवर सेवेत रुजू झालेला आहे, कसं वाटतं? आता ताकदूक होती त्यावेळेस कोरोनाच्या काळात, मात्र आता कसं वाटतं? मध्ये सगळीकडे म्हणजे धाकधुकच होती, म्हणजे कंपल्सरी सेफ्टी प्रिकॉशन, मास्क हे यूज करा, हँड वॉशिंग कंपल्सरी. आत्ता जनरल हे चालू झाल्यापासून एवढं हे नाही आहे, म्हणजे कोविड असं जे होती धाकधूक तशी नाही आहे. जरीपटका पुलिस स्टेशन में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज हुआ है. इस मामले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी आगे की जाँच शुरू है. नारा रोड जरीपटका निवासी आरोपी अमित आशीष श्रीवास, इसने इसी परिसर में रहने वाली एक 15 वर्षीय लड़की से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बार बार उससे दुष्कर्म करता रहा. आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और मामले की जांच चल रही है. पुलिस ने नागरिकों को संदेश दिया है कि वो अपने नाबालिग बच्चों पर ध्यान रखे, शारीरिक लैंगिक अत्याचारों से उन्हें बचाना आवश्यक है और ऐसी घटनाएं सामने आने पर बिना डरे पुलिस में शिकायत दर्ज कराना आवश्यक है. आरोपी पर भारतीय दंड विधान 376(1)(2)(n) और पॉक्सो कायदा बालकों के लैंगिक अत्याचार कायदा के अनुसार गुनाह दाखिल किया गया है. वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट. जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीतील 15 वर्षीय पीडितेवर आरोपी अमित आशीष श्रीवास राहणार नारा रोड जरीपटका याने लग्नाचा आमिष दाखवून शारीरिक अत्याचार केले या संबंधी आमच्याकडे रिपोर्ट आल्याने पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे. त्यावरून यातील आरोपी अमित आशिष श्रीवास यास अटक करण्यात आली असून पोलीस कस्टडीमध्ये गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. सर, पीडिता आणि आरोपी यांची ओळख कशी झाली, काय सांगताना कशा माध्यमातून ओळख झाली आणि काय धमकावलं होतं त्यांनी, काय सांगताना? पीडिता आणि आरोपी एकाच परिसरातील राहणारे आहेत. पीडित्याला वारंवार लग्नाचं आमिष दाखवून त्यांची सुरुवातीला मैत्री झाली आणि लग्नाचं आमिष दाखवून त्यांनी शारीरिक अत्याचार केलेले आहेत. नागरिकांना याद्वारे संदेश देण्यात येतो की त्यांनी आपल्या अल्पवयीन मुलांवर मुलींच्यावर लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे आणि शारीरिक अत्याचारापासून किंवा लैंगिक अत्याचारापासून त्यांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. तसं काही दिसून आल्यास तात्काळ पोलीस संबंधित पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधण्यात यावा. याच्यावर भारतीय दंडविधान 376(1)(2)(n) आणि तसेच पोक्सो कायदा लैंगिक बालकांचे लैंगिक अत्याचार कायदा खाली कलम लावण्यात आलेले आहे. 11 मई को अरनी पुलिस ने खुलासा किया कि ट्रक के अंदर पशु चारा के नाम पर गुटखा की तस्करी की जा रही थी. यवतमाल से अरनी पुलिस को सूचना मिलते ही अरनी के कर्तव्य परायण थानेदार पीतांबर जाधव ने पीएसआई खंडारे और उनके साथियों की मदद से दरगाह के पास हाईवे जाम कर दिया. वाहन का पीछा कर सुकली के पास वे एक पेट्रोल पंप के पास वाहन को जब्त कर अरनी पुलिस स्टेशन लाया गया. ट्रक का नंबर CG04MH0889 था और यह रायपुर से नांदेड़ के लिए जा रहा था. अरनी पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि वे अरनी से भाग रहे हैं, यवतमाल में पुलिस से बचने के लिए भागे हुए आरोपियों की जानकारी मिलते ही थानेदार पीतांबर जाधव ने खुद सड़क जाम कर तेज रफ्तार वाहन के चालक को पकड़ा. वाहन में फालका के पास मवेशियों का चारा पाया गया, लेकिन उसके अंदर प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और अवैध गुटखा पाया गया. 26,26,400 रुपये का गुटखा और 20 लाख रुपये का नया आयशर ट्रक, 46,26,400 रुपये का माल जब्त किया गया है. चालक पुलिस हिरासत में है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया गया है. आर्मी पुलिस आगे की जांच कर रही है. वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्री की रिपोर्ट. आज रोजी गुप्त माहितीदाराकडून मिळालेल्या खबरेनुसार आम्हाला माहिती मिळाली की एक गाडी छत्तीसगडहून नांदेडला सुगंधित गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू घेऊन जात आहे. अशा खबरेवरून आम्ही नॅशनल हायवेवर
सुकळीजवळ बेक पेट्रोल पंप नाकाबंदी करून आयशर गाडी पकडली आणि ती गाडी पोलीस स्टेशनला आणून त्या गाडीतला माल खोलून पाहिला तर त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारच्या सुगंधित तंबाखू गुटखा आणि माझा असा एकूण 26,400 अधिक आयशर गाडी असा एकूण 46,400 रुपयाचा माल जप्त केलेला आहे. अन्न व औषधी प्रशासनाला बोलून पुढील कारवाई करण्यात येते. अंधलगाव पुलिस व भंडारा के स्थानीय गुना शाखा अधिकारियों ने भंडारा जिले के अंधलगाव थाना क्षेत्र के एक खेत में लगे मोटर पंप को चोरी कर किसानों को परेशान करने के आरोप में दो चोरों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 60,700 रुपए मूल्य के 8 मोटर पंप भी जब्त किए गए हैं. रविंद्र संपत शाह वाधवे और नरेश किसान सियाम ये आरोपियों के नाम है. अंधलगाव पोलीस स्टेशन चांदी मध्ये अंबागड या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या शेतावरून इलेक्ट्रिक मोटर पंप चोरी गेल्याबद्दलची तक्रार आल्याच्यानंतर पोलीस स्टेशन अंधलगाव आणि LCV यांनी त्या ठिकाणी जाऊन तपास करून दोन आरोपींना अटक केलेली. त्यांच्याकडून 8 इलेक्ट्रिक मोटर जप्त केलेले आहेत. त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक मोटरी परत मिळतील. भंडारा स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने 10 मई को तालुका के वलमाजरी मार्ग से 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है. देखा गया है कि लूट के लिए वो 2.5 महीने से रेकी कर रहे थे. लुटेरों में साकोली तालुका के एक डॉक्टर का बेटा भी शामिल है जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है. साकोली तालुका में डकैती की संभावना है. तालुका में अलर्ट जारी किया गया था. आरोपी के खिलाफ साकोली थाने में धारा 402 व 399 के तहत मामला दर्ज किया गया है. साकोली गंभीर गुन्हा घडणार आहे अशा प्रकारची माहिती मिळाल्यानंतर सर्व जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा सतर्क होऊन साकोलीमध्ये जास्तीत जास्त फोकस ठेवून त्या ठिकाणी 6 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि 3-4 आरोपी हे फरार झालेले आहेत. त्यात 6-7 आरोपींच्याकडून माहिती मिळाली की त्या ठिकाणचे एक जे श्रीमंत कुटुंब होते त्यांच्या घरी ते गुन्हा करणार होते आणि पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे हा सदरचा गुन्हा टळलेला आहे. तो VKB प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.